वेलकम टू आर एम नर्सरी प्लान। दोस्तों ये जो वैरायटी आप देख रहे हो ये वियतनाम वाला जैकफ्रूट है और ये बारहमासी वैरायटी है, ठीक है। और अभी फिलहाल ये प्लांट लगभग 3 साल का पौधा है और इसका प्रोडक्शन देखो कितना अच्छा इसका प्रोडक्शन है और बारहमासी वैरायटी है। अब देखो ये जो फ्रूट है थोड़ा अभी मैच्योर नहीं हुआ, लेकिन अभी खाने के लिए जो किचन में सब्जी बना के खाते हैं हम लोग उसके लिए रेडी है। और फिर से ये साइड से देखो फिर से जैकफ्रूट फिर से आ गया, तो मतलब आप समझ गए होंगे ये सब में फिर से जैकफ्रूट में कन्वर्ट होगा। तो ये बारहमासी वैरायटी है, इसमें से आपको समझ रहे हो। ये देखो ये सब फिर से ये जो नया नया आया ये आ रहा है जैकफ्रूट और मैच्योर भी है, तो बारहमासी वैरायटी है, इसका तो कोई अभी संदेह का विषय ही नहीं रहता। तो बात है इसका प्रोडक्शन, क्योंकि जो एक लगाया गया एक प्लांट उसको चाहिए होगा प्रोडक्शन और खाने का टेस्ट क्वालिटी वो भी बहुत मैटर करता है। तो मैं समझता हूँ ये जो वैरायटी है बहुत अच्छा वैरायटी है। और अभी खाली मैं ऊपर दिखाया, आपको नीचे से भी दिखाऊंगा। देखो ये जो इसका 7-8 इंच ही होगा, लगभग 10 इंच ही होगा नीचे से मिट्टी से। और अभी इधर जैक फ्रूट देखो और कितना देखो कितना सुंदर इसमें लग गया, अभी एकदम नीचे से ज़मीन में लग जा रहा था इसलिए लकड़ी को मैंने दे दिया, नहीं तो कीड़ा वगैरह लग सकता है। तो देखो कितना अच्छा प्रोडक्शन देखो। तो ये पूरा सारा प्लांट में अभी इस साइड में देखो, इस साइड में आपको दिखा रहा हूँ, देखो पूरा प्लांट जो है जैक फ्रूट से भरा है। मैं थोड़ा अंदाज करता हूँ 400-500 पीस तो होगा कम से कम इसमें जल जो लगा हुआ है छोटा बड़ा मिला करके। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा वैरायटी है। और ये जो वैरायटी मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सबसे मेन चीज़ जो मुझे लगा इसका प्रोडक्शन मुझे दिल खुश कर गया है इसका। ये वैरायटी प्रोडक्शन में मेरा दिल खुश हो गया। और ये जब पूरा मैच्योर हो जाएगा, ये जब पूरा मैच्योर हो जाएगा तब 3-4 kg के आसपास आ जाएगा। और मैं समझता हूँ ये जो वैरायटी है बहुत अच्छा वैरायटी है, और अगर कोई जैकफ्रूट का शौकीन है तो ये वैरायटी लगा सकते हैं, क्योंकि इसका जो क्वालिटी है वो भी अच्छा है, प्रोडक्शन भी अच्छा है। और जब ये पूरा पक जाएगा, मतलब पक्का जो खाना चाहता है, तो जब पूरा मैच्योर हो जाएगा 3-4 kg, वो तो मैंने बोल दिया। और इसका अंदर जो कलर होता है सबसे मेन चीज़, ये जो जैकफ्रूट ऊपर से ग्रीन दिख रहा लेकिन इसका अंदर जो कलर होता है वो थोड़ा ऑरेंज टाइप कलर होता है, तो अभी वो नहीं दिखेगा क्योंकि जब पूरा पक जाएगा तब उसके अंदर वो ऑरेंज कलर आएगा। अभी इसको काटने से उसके अंदर वो जो वाइट और ग्रीन मिक्स ही रहेगा कलर। तो यही है, अब इस प्लांट को ऊपर तक देखो कितना अच्छा इसमें फ्रूटिंग लग गया। लगभग मैं अंदाज कर रहा हूँ 400-500 पीस होगा कम से कम छोटा बड़ा मिला करके, और खाली 3 साल का ही पौधा है। और अब पूरा प्लांट का पूरा व्यू मैं दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो मैं पूरा व्यू दिखा रहा हूँ। प्लांट का व्यू देखो, लगभग 3 साल ही हुआ, 7-8 फीट हुआ प्लांट, टोटल मुझे लग रहा है 10 फीट ही होगा। इसका फ्रूटिंग का जो साइकिल है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वाला फ्रूट, ये वाला, ये वाला, ये वाला, वो वाला, ऊपर भी है, इस साइड में भी है, थोड़ा इस पीछे भी है, ठीक है, इस साइड में भी है, ऐसा करके अभी मैं 15-20 हार्वेस्टिंग कर सकता हूँ, ठीक है। और ये बिकेगा अभी सब्जी मार्केट में, क्योंकि ये अभी सब्जी के लिए चलेगा, ठीक है, सब्जी के लिए चलेगा, इसका अभी ऑफ सीजन है तो बहुत महंगा में बिकेगा। और ये जो आप हार्वेस्टिंग कर लूँगा इसका 2 महीने बाद फिर से ये जो छोटा छोटा है देख सकते हो, ये जो छोटा है इसको मैं उस टाइम हार्वेस्टिंग करूँगा 2 महीने के बाद, और उससे 2 महीने के बाद फिर जो छोटा छोटा है ये सब छोटा है वो हार्वेस्टिंग करूँगा, उसके फिर अगले 2 महीने बाद वो जो एकदम बहुत छोटा है उस टाइम वो मैच्योर हो जाएगा। तो ऐसे करके जो ये फ्रूट है ये मोटा मोटी जो एक साइकिल है फ्रूट का वो साइकिल वो बना रहेगा, ठीक है, मतलब साल भर इसमें फ्रूट लगा ही रहेगा। तो बहुत बढ़िया वैरायटी लगा मुझे, इसलिए ये जो वैरायटी बहुत खास लगा मुझे। उस वैरायटी का ये सेलिंग प्लांट है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी सेलिंग प्लांट करंट टाइम में कैसा है।
अब सेलिंग प्लान देखो, देखो ये जो सेलिंग प्लांट है, देखो अभी इसमें फ्रूटिंग आ गया। बारामासी वियतनाम जैक फ्रूट है, बारामासी है, इसमें फ्रूटिंग हर प्लांट में आ गया। देखो देखो हर प्लांट में फ्रूटिंग आ गया, अब देख सकते हो हर प्लांट में आ गया, हर प्लांट में आ गया फ्रूटिंग, हर प्लांट में आ गया। लेकिन और एक बात रहती है, हाँ इसको क्या इस प्लांट में अभी का हम लोग फ्रूट ले सकते हैं? नहीं, इस प्लांट से हम लोग अभी फ्रूट नहीं ले सकते, क्योंकि इस ये जो छोटा प्लांट है 1.5 फीट होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसमें अगर वो उतना बड़ा जैक फ्रूट लगेगा तो प्लांट नहीं मर जाएगा, तो इसलिए हम लोग इसमें से अभी कोई भी फ्रूट नहीं ले सकते। इसको हम लोग रिपोर्टिंग करेंगे, पॉटिंग करने के बाद कम से कम इसको 7-8 महीना टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद वो 4-5 फीट का हो जाएगा, तब हम लोग इसमें से फ्रूट ले सकते हैं। उसके अंदर जितना भी फ्रूट आएगा उस टाइम के अंदर सब फ्रूट को हम लोग को तोड़ देना है। ये हम खाली कस्टमर को दिखाने के लिए रखा है, नहीं तो इसको हम लोग तोड़ देंगे, क्योंकि ये अभी प्लांट के लिए खतरा है, मतलब ये रहेगा तो प्लांट उतना ग्रोथ नहीं होगा। तो 7-8 महीने के बाद ही हम लोग इसमें से फ्रूट लेंगे, उसके अंदर जब भी फ्रूट आएगा वो हम तोड़ देंगे। तो अब देखो प्लांट हम लोगों का सेलिंग प्लांट भी अभी हेल्दी कंडीशन में है, मोस्ट ऑफ द प्लांट में आप देख सकते हो फ्रूट लग गया, मोस्ट ऑफ द प्लांट ठीक है।